नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लेंट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा जो आधुनिक इतिहास का है सेशन, वो बहुत अच्छे तरीके से सेशन चल रहा है। आप लोगों से बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है और इसी प्यार के बढ़ते जो है हम डेली इस पर क्लासें बनानी शुरू कर दी हैं। डेली क्लासें जो है अपडेट कर रहे हैं हम। देखिए, इसी क्लासों को चलते और इसी अपडेट को चलते, ठीक है, सभी तरीके से अगर इस बात को ध्यान में रखें तो क्या था कि हमने अभी तक जो पढ़ा, जो हमने कल तक का पढ़ा, वह पढ़ा था, कल जो पढ़ा था हमने पढ़ा था जनजाति आंदोलन व जन आंदोलन। हमने जो पढ़ा था जनजाति आंदोलन और जन आंदोलन, ये आधुनिक इतिहास की एक वह कड़ी है जिसने एक बहुत बड़ा निचोड़ आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। ये निचोड़ बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात ये होती है, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमें आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, धार्मिक रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब एक तरीके से प्रशासनिक तौर से, आर्थिक रूप से और हमारे धार्मिक रूप से जो है हमको चारों तरफ से दबाना शुरू कर दिया था। और इस दबाव को जब हमने चारों तरफ से दबाव महसूस किया, यानी कि भारतीय जनता किस रूप में, किसान, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, सैन्य वर्ग और जितने भी धार्मिक पंथ से जुड़े हुए लोग थे वह वर्ग, ठीक है, और जनजाति वर्ग जो थे, जब उनको ऐसा लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको चारों तरफ से दबाया जा रहा है, जब इस तरीके से होगा, शोषण होने लगा, जमींदारों के द्वारा शोषण होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शोषण होने लगा, जमींदार और पुलिस, अंग्रेजी शासन या सरकार सब जमींदारों के साथ होने लगी, तो क्या हुआ, किसान वर्गों ने अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उनसे पहले रिक्वेस्ट की, जब नहीं की, रिक्वेस्ट से नहीं माने तो फिर उन्होंने क्या करा, मजबूरी में आदमी क्या करता है, एक विद्रोह पर उतर आता है या फिर आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाता है। और इन आंदोलन से, उसी चीज़ से जुड़े हुए कुछ आंदोलन आपके सामने हैं जो आज हमारा प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख किसान आंदोलन। अगर आपको A to Z इनकी सारी मतलब डिटेल जाननी है कि ज़िंदगी भर आप कभी ना भूलो इनको, इन आंदोलनों को, इन विद्रोह को ना भूलो, तो आपको इस क्लास को पूरी तरीके से समझना है। शायद आज एक क्लास में आपका ज़िंदगी भर का जो डाउट ये ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी भर का डाउट ये ख़त्म हो जाए, ऐसा अपने मन में मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि नील विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, क्या था नील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह, किसान सभा आंदोलन कैसे हुआ, किसानों की सभा, अखिल किसान सभा भी नाम सुनोगे, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा क्यों आई, कैसा आई, देखते हैं। एका आंदोलन, बारदोरी सत्याग्रह, तुम्हें पता है ये बारदोरी सत्याग्रह एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि मिली थी यहाँ पर, ये वही बारदोली सत्याग्रह है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके बाद में आपने देखा होगा कि भारत में किसान सभा का गठन किया गया था। तेभागा आंदोलन, तेभागा एक जनजाति थी, उसका एक आंदोलन था, एक पिछड़ा वर्ग था, एक क्षेत्रीय वर्ग था, समुदाय था। तेलंगाना आंदोलन, एक आंध्र प्रदेश का एक जिला था, वर्तमान में 2014 में 2 जून 2014 को इसे राज्य बना दिया गया, ठीक है। ये आंदोलन स्वतंत्रता से पहले का आंदोलन चल रहा था, परंतु इसे कामयाबी जो मिली वो 2014 में इसको आकर कामयाबी मिली। तो क्या था तेलंगाना का इतिहास, क्या था अखिल भारतीय किसान सभा और क्या थी नील विद्रोह की कहानी, और क्या हुआ बारदोली सत्याग्रह में ऐसा कि सरदार पटेल को मिली सरदार की उपाधि, इस चीज़ के लिए आप जुड़े रहो हमसे। और A to Z हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नील विद्रोह ऐसा क्या हुआ कि नील विद्रोह में किसान इतने विचलित हो गए कि विद्रोह करना शुरू कर दिया। नील से पता चल रहा होगा आपको, नील की खेती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं A to Z बात यहाँ पर, ठीक है, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक। वो बात क्या है, चलिए सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे नील विद्रोह। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो नील विद्रोह देखेंगे कि नील विद्रोह, अब ये नील विद्रोह कहाँ पर हुआ, पहली बात तो हमें ये करनी है। तो नील विद्रोह की डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। इस पर एक दीन बंधु के व्यक्ति हैं, कौन, दीन बंधु, उनका नील दर्पण की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, नील दर्पण का बात करेंगे। चलिए वो बात करते हैं आगे क्या है, यानी कृषक इतिहास का, पहले इसकी डेट लिख लेते हैं 59 से 60 तक, यानी कि क्या थी 1859 से 60 के बीच ये हुआ था नील विद्रोह, 1859 से लेकर 60 के बीच आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी आपको डेट पता होना चाहिए, बंगाल में हुआ था बेटा, कहाँ पर हुआ था ये, बंगाल में ये आंदोलन हुआ था, बंगाल में। कृषक आंदोलनों का सबसे सर्वाधिक प्रचलित, यानी कृषक आंदोलनों का सर्वाधिक प्रचलित आंदोलनों में यही एक आंदोलन है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न ये था कि
किसान आंदोलन की सर्वाधिक जुझारू क्यों हुआ कि लोग जो काश्तकार लोग थे, पहले बात को समझेंगे क्योंकि समझ कर पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। काश्तकार लोग जो थे वो बनाना चाह रहे थे, मतलब खेती करना चाह रहे थे चावल की। काश्तकार लोग जो थे बंगाल के, वो क्या करना चाह रहे थे, खेती चावल की करना चाह रहे थे। परंतु उनसे जबरन, काश्तकारों से जबरन जमींदारों ने और जितने भी साहूकार थे जिनके पास ज़मीन पहुँच गई थी, उन लोगों ने जबरन ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती कराई। जब जबरन नील की खेती होगी तो तुम्हें पता है विद्रोह तो होना है, विद्रोह होगा। इसी चीज़ को लेकर ये विद्रोह यानी कि जनता जो है सामने खड़ी हो गई। ठीक है, काश्तकारों से क्या हुआ, जबरन खेती कराने के लिए विवश किया। और पहली घटना कहाँ घटी, पहली घटना देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, पहली घटना कई बार पूछी जाती है। पहली घटना एक नादिया ज़िला है। कौन सा है? नादिया ज़िला फ्रॉम बंगाल। कहाँ का? बंगाल का एक नादिया ज़िला है, वहाँ पर ये घटना घटी। और वहाँ पर एक गांव है गोविंदपुर। कौन सा गांव है? गोविंदपुर बेटा, गोविंदपुर गांव है, वहाँ पर ये घटना घटी। गोविंदपुर में घटना घटी कब? 1859 में। कब घटी? 1859 में ये घटना घटी। ठीक है, और क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय नेता जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यानी कि जो स्थानीय नेता थे, एक तो दिगंबर विश्वास और एक विष्णु, बेटा ऐसे लिखते रहे ना पॉइंट टू पॉइंट, विष्णु विश्वास। इन लोगों ने क्या करा, ये नेतृत्व किया इस आंदोलन का। कहा कि हम लेंगे जिम्मा, हम लेंगे टक्कर, हम करेंगे बात। इन्होंने आंदोलन लिया। परंतु इनके साथ साथ हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने भी, छोटे जमींदार इन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। परंतु होता क्या है इसमें कि 1860 तक, ये 1860 तक जो है, जैसे नादिया के पास ढाका, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में भी ये फैल गया। यानी कि अब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। फिर क्या हुआ कि भारतीय किसानों का ये सफल आंदोलन बना। यानी कि ऐसा कह दो कि भारतीय किसानों का पहला सफल आंदोलन यही था। जब सफल आंदोलन हो जाएगा तब तो हिम्मत हो गई सरकार की टक्कर लेने की, अब तो हिम्मत होगी, अब तो कोई डरने वाली बात ही नहीं। सफल आंदोलन हुआ, ठीक है। परंतु इससे परेशान होकर सरकार ने और नील आयोग की स्थापना के लिए मांग करी। क्या करा सरकार ने, कहा कि चलो भाई, एक इनके लोगों की नील की खेती की, नील विद्रोह की जाँच के लिए एक किसकी स्थापना हुई, नील आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद 1860 में इसको विद्रोह को समाप्त कर दिया, क्योंकि नील आयोग बन गया। अब तो जो भी काम होना आयोग के अनुसार होना। और इसकी पूरी जीती जागती घटना की अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है आपकी, नील दर्पण। यानी कि उसमें क्या है, नील बागानों के मालिकों का जो शोषण किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा, पूरी खुली किताब जो है उसमें है, जिसका नाम है आपको नील दर्पण। किसने लिखी है दीन बंधु ने। ये भी कहाँ से क्वेश्चन आप याद रख लेना। दीन बंधु, मित्र का नाम सुना होगा आपने, ठीक है भाई। यहाँ से हमने पहला विद्रोह जो है सफलतापूर्वक अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1860 तक चला, बंगाल में चला। पहली घटना नादिया जिला बंगाल में हुई, गोविंदपुर में फैल गई। और उसके बाद में 1860 तक आकर नादिया ढाके तक रही। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया। हिंदू मुस्लिम और जमींदारों छोटों ने भी इसमें भागीदारी की। शोषण के विरुद्ध था, परंतु 1860 में नील आयोग की स्थापना, जांच करने के लिए नील आयोग की स्थापना की। और किसानों का पहला सफल आंदोलन था जिसमें अपनी शर्तें जो है इन्होंने मनवाने की बात की थी बेटा। इसके बाद में हमारा दूसरा आंदोलन जो है वह है पागलपंथी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है बेटा? हमारा आंदोलन है पागलपंथी आंदोलन। बहुत वही बातें करनी है जो एग्जाम में आएंगी आपको, सीधी बिल्कुल वही बात करेंगे जो सीधी एग्जाम में आएंगी। पागलपंथी ये जो है बंगाल में हुआ था। बंगाल का एक जगह था जिसको हम कह सकते हैं शेरपुर से लेकर आपकी गोरो पहाड़ी तक ये फैला। यानी कि शेरपुर से लेकर गोरो पहाड़ी तक फैला ये। 1825 में पागलपंथी
पागलपंथी समुदाय, पागलपंथी समुदाय ने, पागलपंथी समुदाय के एक नेता थे करम शाह। करम शाह कौन थे? करम शाह, ठीक है। और इनके पुत्र थे टीपू शाह। पुत्र कौन थे? टीपू शाह। कौन पुत्र थे? टीपू शाह ने इसका नेतृत्व किया, इसका नेतृत्व किया और काश्तकारों के समर्थन में खड़ा हुआ। किसके समर्थन में? काश्तकारों के, काश्तकारों के समर्थन में ये खड़ा हो गया, काश्तकारों के समर्थन में खड़ा हो गया। अंततः होता क्या है, कारण क्या था? जमींदारों द्वारा काश्तकारों का शोषण, इसका कारण क्या था देख लीजिए, कारण आप लिखना पड़ेगा इसको। जमींदारों द्वारा, जमींदारों द्वारा काश्तकारों का शोषण, काश्तकारों का शोषण। तो बेटा इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इससे पागलपंथी। परंतु हुआ क्या, उपद्रव जो है, ये उपद्रव जो है ग्रस्त, मतलब थोड़ा सा दब गया, इतनी ज़्यादा भूमिका रही नहीं इसकी, भाई इतना याद रखना है, ठीक। तीसरा जो हमारा है मोपला विद्रोह है, मोस्ट है आपका। क्या है? मोपला विद्रोह, बिल्कुल मोस्ट है। मोपला, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह है तीसरा, और ये बहुत मोस्ट है, इसे जल्दी से नोट करो आप, ठीक है। चलो मैं रफ कर दूँ, मोपला विद्रोह की कंडीशन क्या है, ठीक है, मोपला विद्रोह की कंडीशन देख लेते हैं जरा क्या है। देखिए अगस्त, ये मोपला विद्रोह की जो बात है, ये दो चरणों में हुआ था, ये दो चरणों में हुआ था, एक तो 1836 में हुआ था पहला चरण, इसके दो चरण है, यानी कि प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण जो है वो 1836 में, और द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण इसका, द्वितीय चरण जो है वो 1921 से 22 में भी इसका ये रहा। तो ये दो चरणों में हुआ था, पहली बात तो ये मोपला विद्रोह दो चरणों में हुआ था, ठीक है भैया। अब केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था केरल के, पहले चरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर, केरल के कौन से तट पर? मालाबार तट पर, मालाबार तट पर एक निम्न जाति के मुसलमान रहते थे। कौन रहते थे? निम्न जाति के मुसलमान, इस्लाम धर्म से जो मानते थे, तो निम्न जाति के, निम्न दर्जे के मुसलमान, निम्न दर्जे के मुसलमान रहते थे, मुसलमान ये रहते थे, ठीक है, जिनको मोपला कहा जाता, जिन्हें क्या कहा जाता था? मोपला कहा जाता था, ठीक है, मोपला कहा जाता था। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे। अब देखिए दिक्कत क्या है, इस क्षेत्र में महाजन, महाजन व जमींदार जो थे, जमींदार जो थे वो क्या थे? वो हिंदू थे, ठीक है। कहानी देखिए क्या है, बहुत अच्छी कहानी, यानी कि यहाँ पर मालाबार तट पर जो लोग, काश्तकार जो थे वो कौन थे? मुसलमान थे, निम्न दर्जे के, और जो जमींदार महाजन थे वो कौन थे? हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे थे, यानी ब्रिटिश सरकार जो थी किनका समर्थन कर रही थी? इनका, ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। देखिए ब्रिटिश सरकार जो है समर्थन किसका कर रही थी? इन महाजनों और जमींदारों का। अब इनके द्वारा क्या हो रहा था? जमींदारों द्वारा जो था लगान दर बढ़कर ज़्यादा हो गई थी, और भूमि से बेदखल कर रहे थे, क्या कर रहे थे इस बात को समझिए, जमींदार लोग जो थे क्या कर रहे थे? जमींदार लोग, लोगों ने क्या करा कि लगान दर जो है बढ़ा दी। अच्छा, लगान दर बढ़ा दी तो जबरन फिर जब लगान नहीं वसूल दिया जाएगा तो लगान वसूलने की जगह पर क्या करा उनके, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया, उन्हें ज़मीन से क्या कर दिया? बेदखल। और जब ज़मीन से बेदखल होने लगे वो लोग, ज़मीन से बेदखल होने लगे तो जब पास कुछ होगा नहीं खोने के लिए तो हत्या, ठीक है, चोरी लूटपाट करने के लिए उतर पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या काम करा? हत्या चोरी और लूटपाट करनी शुरू कर दी। और इसी बीच में, इसी बीच में जो है इसी चीज़ के लिए लोग परेशान हुए और ये जो है विद्रोह आगे बढ़ गया। और इसका दूसरा चरण जो शुरू हुआ वो क्या हुआ? मोपलाओं के खिलाफ दूसरा चरण जो था ये तो था मोपलाओं द्वारा, पहला चरण जो था किसके द्वारा था? मोपला द्वारा, अपने शोषण को बचाने के लिए। जबकि दूसरा चरण जो था मोपलाओं के विरुद्ध था, मोपला के विरुद्ध, ठीक है बेटा, मोपला के विरुद्ध कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके विरुद्ध जो शुरू हुआ 1921 से 22 में हुआ, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें नेतृत्व क्या था? अंग्रेज में जमींदारों ने किया था, ठीक है। और मोपला विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? मुदलियार। यहाँ पर जो नेता था वो कौन था? नेता जो था मुदलियार। इसको याद रखना चाहो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या था? इसमें अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार और जमींदारों ने ये विद्रोह किया था। किसने किया था? अंग्रेजों व जमींदारों ने, अंग्रेजों व जमींदारों ने विद्रोह किया था। दूसरा, अंग्रेजी व जमींदारों ने विद्रोह किया था, ठीक है। परंतु हुआ क्या, 1921 में जो है जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया, मोपला विद्रोह का समर्थन किया, ठीक है। और क्या करा कि आंदोलन की उग्रता देखते हुए
आंदोलन की उग्रता देखते हुए, समझिए पहले तो जो आपका आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इस टाइम पर, प्रमुख नेता जो थे जैसे शौकत अली, गांधी जी, इन लोगों ने भी जो है मोपला विद्रोह का क्या करा, समर्थन करा। ठीक, इसी चीज़ के चलते जब ये देखा कि मोपला विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और बहुत ज़्यादा उग्रता हो रही है, तो सरकार ने यहाँ पर सैन्य शासन लागू किया। बेटा क्या कर दिया सरकार ने, सैन्य शासन लागू कर दिया। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इस विद्रोह में अगर हम बात करें, अब मोपला विद्रोह कुचल गया और मोपला विद्रोह में क्या था, ये मोपला विद्रोह था अंग्रेज़ विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी। समझ गए नहीं, मोपला विद्रोह था अंग्रेज विरोधी था, जमींदार विरोधी था और हिंदू विरोधी ये विद्रोह था। इस तरीके से इस विद्रोह का हो गया दमन। आप इसको जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी से। ठीक है, इसके बाद में जो आपका आंदोलन है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चौथा आंदोलन हमारा क्या है, देखिए मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको, कि कम समय में आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बड़े आराम से बातें बताऊँ तो फिर इससे मज़ा आने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो अगला जो आंदोलन है वो है आपका किसान सभा आंदोलन। कौन सा है, किसान सभा आंदोलन। ये बुलेट पॉइंट या शॉर्ट नोट्स ऐसे बनेंगे आपके किसी भी परीक्षा में, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है इसमें। देखिए अब क्या है, ये आपका है किसान सभा आंदोलन, नाम तो सुना होगा इसका। ठीक है, जल्दी बताइए, डालिए हेडिंग। ठीक, अब देखिए क्या था, ये अवध क्षेत्र में हुआ था। इसमें एक क्षेत्र कहाँ पर हुआ था, ये अवध क्षेत्र में। ठीक है, देखिए अवध क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था, अवध क्षेत्र में आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अवध क्षेत्र आप जानते हो, अवध क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। सर्वप्रथम किसानों और जमींदारों, और जो हमारे किसानों और जमींदारों थे, और जो कहने का मतलब है जो तालुकादार जो थे, यानी कि जो ठेकेदार थे हमारे, ठीक है, उनका क्या था मैं आपको बताता हूँ। किसानों और जमींदारों और साहूकारों, ठीक है, किसानों, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था ये। क्या था ये, शोषण के विरुद्ध। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये विद्रोह किसके विरुद्ध चला था, तो ये विद्रोह चला था तीन के, किसानों, जमींदारों और साहूकारों के, समझिए के मतलब क्या था, ये शोषण के विरुद्ध संगठन था। और कहने का मतलब यह है कि इसका होम रूल के सदस्यों ने, जो होम रूल के सदस्य थे दो, एक का नाम था गौरीशंकर मिश्र और एक दूसरा नाम था इंद्रनायक द्विवेदी। यानी एक तो गौरीशंकर मिश्र और इंद्रनारायण दोनों ने इसका क्या करा, नेतृत्व किया किसान सभा आंदोलन बनाने का। ठीक है, ये या आपको याद रखना है। और फरवरी 1918 में, यानी कि कब, फेब 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश किसान सभा संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। ठीक है, अब देखिए क्या था, इस कार्य को और भी पावरफुल बनाने के लिए, इस आंदोलन को, इस सभा को मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अगर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट किया था। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने क्या करा था, ये सपोर्ट किया था इसमें। ठीक है, और इस समय पर इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा रामचंद्र भी इसमें पार्टिसिपेट कर दिया था। अब बाबा रामचंद्र का जैसे जिक्र आता है आपको याद आना चाहिए, बाबा रामचंद्र का जैसा नाम याद आता है आपको याद आना चाहिए, अवध किसान सभा,
अवध किसान सभा इन्होंने गठन किसका किया था? अवध किसान सभा, ये वाला क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा था, अवध किसान सभा, ठीक है, कब हुआ था? 1920 में, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। इसी के चलते जो है अवध, अब इसका जो केंद्र माना गया, इस आंदोलन का जो केंद्र माना गया वो एक गाँव है रुड़गांव, यानी कहाँ पर? प्रतापगढ़ का नाम सुना होगा आपने, प्रतापगढ़ में एक गांव था जिसका नाम था रुड़गांव, उसको जो है इन्होंने क्या माना इसका केंद्र माना। इतनी बात आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है इतनी बात, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, बस ये पूछेगा गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो क्या था? किसान सभा की। नेतृत्व किसने कब किया था? 1920 कौन सी सभा और बनाई थी? उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, अवध किसान सभा 1920 में, ये वाला क्वेश्चन आता है जोड़े मिलाने के लिए, ठीक है। किसने करी थी? बाबा रामचंद्र ने। इतनी बात आपको याद रखनी है बस। इसके बाद में आपका है एका आंदोलन, कौन सा आंदोलन हो जाएगा आपके यहाँ से? एका आंदोलन। इतना मोस्ट नहीं है मगर फिर भी लिखना तो है क्योंकि हमें तो सब पढ़ना है। यहाँ से कौन सा आंदोलन हो जाएगा बेटा? एका आंदोलन हमारा है अगला टॉपिक, एका आंदोलन, ठीक है। क्या है एका आंदोलन, इसकी बात करते हैं। अवध के किसानों ने हरदोई बहराइच और सीतापुर में चलाया था, ठीक है। अवध के किसानों ने कहाँ पर चलाया था? हरदोई सीतापुर और अवध में इसे चलाया था, इसका शुरू किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व जो किया था वो पिछड़ी जाति के एक मंदारी पारसी थे, उन्होंने इसका क्या करा था? नेतृत्व किया था। खासतौर पर छोटे काश्तकारों और जमींदारों का एक ये था, समझ गया नहीं, क्या था ये आंदोलन किसका था? छोटे जमींदारों ने ये पार्टिसिपेट किया था। कारण इसका क्या था? कारण था कर वृद्धि, लगान वृद्धि इसका कारण था। छोटे पर जो था कर वृद्धि और लगान वृद्धि के साथ साथ उपकर भी लेने लगे थे, उपकर और भेंट भी लेते थे। इस तरीके से जो था इनको दबाया जा रहा था बहुत बुरी तरीके से, और सामने आ गए मदारी पारसी जो है सामने आ गए। अंततः हुआ क्या, 1922 में सरकार ने इसको दमन कर दिया, समझ गए। 1922 में क्या करा, 1922 में सरकार ने इसका दमन कर दिया। इतना छोटा इतिहास था एक आंदोलन का, इसे आप नोट करिए जल्दी से। इतना छोटा आंदोलन था इसका, इसको दमन कर दिया, इसे जल्दी नोट करो, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको फुर्ती से। मैं देख लेता हूँ जरा कैमरे में ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब जो हमारा सबसे मोस्ट है वो कौन था? बारदोली आंदोलन कह सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। कब शुरू किया गया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भैया ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब की बात है देखते हैं। यह है भैया 1928 में। कब है? 1928 में। कब भैया? 1928 में एक गुजरात में एक जगह है बारदोली तालुका, समझते हो, तहसील के अंतर्गत आता है तालुका, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 1928 में लगान
वृद्धि के विरुद्ध है। इसका कारण क्या था? 1928 में लगान वृद्धि के विरुद्ध यह शुरू हुआ, के विरुद्ध यह शुरू हुआ। क्या हुआ समझिए, 1928 में कपास की कीमत गिर गई। अब जब कीमत गिर गई कपास की कीमत, तो क्या हुआ कि किसानों, मतलब अंग्रेजों को चाहिए था पैसा। अब जैसे ही कपास की कीमत गिरी, तो अब क्या हुआ कि किसानों के ऊपर जो है वो 30% टैक्स कर दिया। कितने प्रतिशत कर दिया? 30% कर दिया। यानी टैक्स में कितने की वृद्धि कर दी? 30% की वृद्धि कर दी। अब आप बताइए, एकाएक इतनी वृद्धि अगर हो जाएगी तो किसान कैसे भार बोझ उठाएंगे। अब इसी वृद्धि को लेकर जो है लोगों ने लगान की वृद्धि को लेकर क्या है सामने आ गए, लोग इसके सामने आ गए, ठीक है। और कांग्रेस के नेताओं ने इसका भारी विरोध किया। यानी यहाँ पर एक बात याद रखना कि कांग्रेस लोगों ने भारी विरोध किया, भारी विरोध, ठीक है। इनका काम ही विरोध करना होता है, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने? भारी विरोध किया, ठीक है। अंततः होता है क्या कि 1928 में क्या होता है कि यहाँ पर इस आंदोलन के समर्थन के लिए, यानी कि सत्याग्रह एक पत्रिका भी शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ के लोगों ने जो है, कहने का मतलब है कि 1928 में जब विद्रोह किया, तो सरकार ने एक काम करा, जब विद्रोह किया तो सरकार ने इतना काम कर दिया कि चलिए ये दर जो है 30% से घटाकर 21.67% कर दी। कितनी कर दी? 21.67। मगर ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। मगर अंततः होता क्या है कि इसमें वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन की लिखित जांच की मांग की। कैसी? लिखित जांच की मांग, कि भाई लिखित जांच की मांग करी। और जब लिखित जांच की मांग हुई, तो अंततः टैक्स घटाकर जो है वो कितना कर दिया, वो 6.03 कर दिया। कितना कर दिया? 6.03। और इसी के ऊपर बारदोली सत्याग्रह पत्रिका छापी गई, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले इस पत्रिका के द्वारा। और जब इतनी घटना हुई बारदोली में, तो वहाँ के लोगों ने प्रसन्न होकर कि जो जांच 30% थी, वो कर्ज जो था 30% था, उसे कितना करा दिया? 6.03 करा दिया। इस चीज़ से खुश होकर उन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये था सरदार की थोड़ी सी कहानी, इससे हमें थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। तो सरदार की उपाधि यहाँ से दी, ठीक है। बस इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है इसमें, थोड़ी सी बात इतनी याद रखनी है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट होगा वो अखिल भारतीय किसान सभा। अब जो हमारा वो है वो कौन सा है? अखिल भारतीय किसान सभा। क्या भैया? अखिल भारतीय किसान सभा, A to Z बात करने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। चाहता तो मैं भी बोर्ड पर लिख के जो है एकदम सबको बता सकता था, ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ बोर्ड पर लिखा लिखा है, मैं आपको सबको बता सकता था, परंतु उसमें वो वाली फीलिंग नहीं आती। जब तक खुद से अपने आप नहीं लिखोगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वो वाली फीलिंग नहीं आती भाई। आपने नोट कर लिया? चलिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़ें। जब मैं मुझे पढ़ानी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि कम आपको टाइम जो है ना, टाइम कम लगे आपका, क्योंकि आपको टाइम कम लगे, ऐसे नहीं घंटों बैठे रहो एक चीज़ के लिए। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी सत्याग्रह की, वो सॉरी अखिल भारतीय किसान सभा की, 1930 में, ये डेट तो याद रखना, परंतु ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। सीधा एग्ज़ाम में बता दूँ बिल्कुल। चलिए एग्ज़ाम में बता देता हूँ, 30 में नहीं आता, इसका एग्ज़ाम आता 36 में। जब भी एग्ज़ाम में आता वो 36 में आता, ठीक है। परंतु 30 में सोच लिया था कि हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। क्या? अखिल भारतीय किसान सभा बनाने वाले हैं। क्या क्या करके? एक तो बिहार किसान सभा, फिर आंध्र प्रांतीय किसान सभा, और तीसरी किसान सभा। इन तीनों को मिलाकर 1936 में अखिल भारतीय
किसान सभा सभा की स्थापना हुई, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ अप्रैल 1936 में हुआ, ये आ जाता है पहला अधिवेशन। अधिवेशन अधिवेशन कहाँ पर हुआ, अधिवेशन जो हुआ वो कब हुआ, पहला अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, ठीक है, अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। तो अभी ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद, ये भी मोस्ट है अध्यक्ष, ये भी बहुत मोस्ट है। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये वाला मोस्ट है। सचिव कौन थे, ये नहीं है मोस्ट इतना, मगर फिर भी याद रख लेना, जब इतना याद रख लिया तो। सचिव थे प्रोफेसर जी एन रंगा, ये थे सचिव। इतनी बात अभी तक आपको यहाँ से याद रख लेनी है। इसका उद्देश्य ये था कि जमींदार वर्गों के आर्थिक शोषण से, इसका उद्देश्य था जमींदार वर्गों से किसानों को बचाना, ये इसका काम था। इतना याद कर लो, आपका कहीं से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, इतना याद कर लो बस। इसे नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। दो पॉइंट और रहे हैं जिन्हें हमें बताना है, छोटे दो पॉइंट और हैं, ठीक है। चलिए करिए इसको आराम से, बहुत फुर्ती से, ठीक है भाई। अब हमारा है तेभागा आंदोलन, कौन था, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट हो गया, ठीक। तेभागा आंदोलन कौन सा आंदोलन है, तेभागा आंदोलन, ठीक है। थोड़ा बस दो तीन बातें बता देते हैं, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तेभागा, ठीक है। क्या है तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1946 में कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। नेतृत्व जो किया वो किसने किया है, कंपा राम सिंह और भवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। क्या था ये क्यों था, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या था, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तीभागा चाई नाम का एक क्या था, तो इन्होंने चाहिए था कि, तो यानी कि इसका एक ये था कि जितने भी किसान लोग जो थे बटाई को लेकर काम करते थे, उन बटाइयों में इनके हिस्से को कम करके, जो इनके मतलब यूज करने वाले पैसा था, जो इनका हिस्सा मिलने वाला था, उसको तीभागा करना था, यानी कि 2/3 भाग मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे, 2/3 भाग मांग रहे थे। बस इसी भाग को लेकर जो है यहाँ पर तीभागा आंदोलन हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है जैसे तीभाग चाई, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए गए, इंकलाब जिंदाबाद, तीभागा चाई, ऐसे आंदोलन नारे बना दिए, भाई इतना था। यानी कि जितने बटाईदार थे उनको अपने हिस्से में कितना हिस्सा चाहिए था, 2/3 चाहिए था, 1/2 के स्थान पर कितना चाहिए था, 2/3 चाहिए था। इस चीज़ को लेकर जो है ये तेभागा आंदोलन हुआ था, ठीक है भाई। अब लास्ट जो है हमारा वो तेलंगाना आंदोलन, थोड़ा फुर्ती से काम करेंगे। तेलंगाना आंदोलन, बात सबको पता है, तेलंगाना अब राज्य बन गया है। राज्य बन गया कब, 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को बन गया था। 29वें राज्य के रूप में बना था, परंतु अब तो फिर 28 हो गए, जम्मू कश्मीर को हटा दिया वहाँ से, ठीक है, जम्मू कश्मीर को हटा दिया, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये 1946 से 1951 तक चला था, कब तक चला था, ये है 1946 से लेकर 1951 तक चला था ये आंदोलन। ये पता ही है आंध्र प्रदेश में था, ये कहाँ पर था, ये आंध्र प्रदेश में एक रियासत थी हैदराबाद रियासत। आज के टाइम पर तो ये रियासत कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, रियासत
रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर किसानों यानी कि तेलुगु भाषा के जो किसान थे, क्या कैसे, तेलुगु, तेलुगु भाषा भाषा के जो किसान थे, किसान थे, इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। क्या था इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका तात्पर्य क्या था, समझ लीजिए क्या था, कि एक कुमारैया, एक कौन था, कुमारैया, एक व्यक्ति था कुमारैया, कुमारैया की मृत्यु, मतलब क्या था कि कुमारैया की मृत्यु इसका कारण बना, कुमारैया की मृत्यु क्या था कि इसका मतलब ये था, कुमारैया की मृत्यु जो है पुलिस द्वारा इसकी हत्या कर दी थी, क्या कर दी थी पुलिस द्वारा, ये मृत्यु जो हुई थी वो किसके द्वारा, ये हत्या थी पुलिस द्वारा, ये हत्या कर दी गई थी, क्या थी ये मृत्यु नहीं थी, क्या थी ये हत्या, और पुलिस किसका साथ दे रही थी, जमींदारों का, जमींदारों का, यानी कि इन लोगों का, तेलुगु भाषी किसानों की बात सुन नहीं रहे थे, तो ये कर को लेकर अधिक कर वृद्धि हुई थी यहाँ पर, इस चीज़ को लेकर जो है ये लोग आगे आए, ठीक है। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने आकर ये संघर्ष किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, ये संघर्ष किया, तो ये संघर्ष था कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। और इन्होंने इस संघर्ष में एक नीति अपनाई थी, गुरिल्ला पद्धति या गुरिल्ला नीति से ये संघर्ष चला था। अंत संघर्ष चलते चलते जो है वो कब समाप्त हो गया, 51 में समाप्त हो गया था, और अंग्रेज इसे दबाने में भी क्या हो गए थे, सफल हो गए थे, ठीक है, या पुलिस जो है दबाने में सफल हो गई थी, क्योंकि उधर देश का बंटवारा हो रहा था, उधर देश का क्या था, बंटवारा हो रहा था, और इधर जो था ये आंदोलन होते थे, दोनों तरफ आग जल रही थी। चलिए, तो हमारा जो कुछ आंदोलन थे, किसान आंदोलन, आगे क्लास के लिए जो है हम कल मिलते हैं, ठीक है, हम जो है अब कल बात करेंगे, ठीक है। इससे अगली क्लास जो है हम कल डालेंगे इसको, क्योंकि आज जो हमारी क्लास है इसमें हमने जितने भी किसान आंदोलन थे उनकी बात कर ली है। प्रमुख आंदोलन आप इसे एक बार देखिए, इसके बारे में दूसरा स्पीड बढ़ा के देखिए, ठीक है, एक दो बार अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, पहली बार में देखने में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है, तो एक दो बार अगर देखोगे तो बातें टच हो जाएंगी और आपका एग्ज़ाम जो है तैयारी जो है और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए, कल मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।